वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और अभी का जो सेगमेंट है मदर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम आजकल बात करते हैं कि जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जंक फूड के डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। पेरेंट्स जो हैं वो बेचारे ख़ुद भी मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि बच्चे खाने की ज़िद करते हैं और घर का खाना उन्हें पसंद नहीं आता है, एट द एंड उनको बाहर से जंक फूड और इस तरह की चीज़ें खानी पड़ती हैं। नुकसान क्या हैं, अवॉइड कैसे करना है, ऑल्टरनेट क्या होगा, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर बीनिश ने हमें ज्वाइन किया जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर बीनिश। और इसके साथ साथ जनाब न्यूट्रिशनिस्ट होंगी जो हमें बताएंगी कि ऑल्टरनेट क्या है, बच्चों के लिए हेल्दी डाइट क्या होती है। आयशा खालिद ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम टू द शो आयशा, कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा डॉक्टर बीनिश, सबसे पहले तो मैं आपकी जानिब आऊंगी। हम जंक फूड की बात करते हैं और बच्चों की डाइट की बात करते हैं, तो आजकल तो जंक फूड बहुत ज़्यादा कॉमन, बिल्कुल जंक फूड बहुत कॉमन हो गया है। उसकी बेसिकली कुछ आप देखते हो अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, वो हम देखेंगे अब डिफरेंट रेस्टोरेंट्स बन गए हुए हैं, उनमें आपने देखा है प्ले एरियाज, तो उन्होंने बहुत एक अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को बना दिया। इवन पेरेंट्स, मैं अपनी बात करूँ, बच्चे फोर्स करते हैं, आप वो देख के जाते हो कि जहाँ प्ले एरिया है बच्चों को वहाँ लेके जाया जाए उस रेस्टोरेंट में। दूसरी बात, जो हम टीवी में देखते हैं या हम मीडिया में देख रहे हैं, तो एड्स इतने अट्रैक्टिव है ना कि वो आप एक बड़ा बंदा देख रहा होता है तो उसके हो रहा होता है, क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है कि यार ये वाकई एक चीज है। तो ये बहुत सी एक हमारी चीजें आ गई हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे जंक फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आपको पता है, एक तो रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि जंक फूड और हेल्दी फूड में फर्क क्या है। जंक फूड बेसिकली उसमें चीजें ही ऐसी होती है, प्रोसेस फूड होता है जो आपकी क्रेविंग्स अंदर से इंक्रीज करता है। अगर आप एक दफा खा लेते हो तो आपको दोबारा से दिल करता है कि आप उसी फूड की तरफ अट्रैक्ट हो। और इससे एज कम्पेयर्ड अगर हम उसको हेल्दी फूड देखें, तो हेल्दी फूड की अगर हम आदत डालें बच्चों में, तो फिर वो आदत इस तरह की आदत होती है कि जिन बच्चों को डल जाती है या बड़ों को, तो वो हेल्दी फूड ही पसंद करते हैं। बिल्कुल, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज आदत डालने की है। हम जंक फूड एक हम इजी भी अपने लिए हो गए हैं ना, कि वो थोड़ा सा फूड हमें बनाना पड़ता है घर में, टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। जंक फूड इजीली अवेलेबल, आपको जहाँ पे भी भूख लगी बच्चों को या जिस तरह भी है, तो जी हम भी अपनी आसानी देखते हैं, दूसरे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं उन चीज़ों से। बिकॉज उसमें थोड़ा सा एक एलिमेंट ये होता है कि शुगर इतनी ज़्यादा, एडिट चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं, फ्लेवर्स इतने होते हैं, टेस्ट इतने होते हैं कि बच्चे अगर एक दफ़ा या दो दफ़ा उनको देते हैं तो वो यूज टू होते जाते हैं। फिर जब यूज टू हो जाते हैं तो फिर बच्चे, आपको बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो कहेंगे हमें हर टाइम वही चीज मिले, बजाय ये कि एक घर की सादी रोटी के कंपैरिजन अगर आप करें। तो इसलिए हमेशा बच्चों को शुरू से ही अगर हम आदत डालेंगे हेल्दी फूड की, क्योंकि ये जंक फूड आपको पता है हार्मफुल है, सिर्फ इसका कोई फायदा नहीं है। दीज आर एम्प्टी कैलोरीज, कैलोरीज तो बहुत ज्यादा है लेकिन ये वो कैलोरीज हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चों में ब्रेन डैमेज ये करा रही हैं, जिसमें हम थोड़ा फोकस कम करते हैं। दूसरे साइड इफेक्ट्स, या हमें वो बहुत पता है कि ये कराते हैं। बेसिकली रिसर्च जो न्यू आई है उसमें ये बताया है कि जब बहुत ज़्यादा जंक फूड से एक्सपोजर हो जाता है, तो उससे एक तो लॉस ऑफ मेमोरी बच्चों में आ रहा है, उसमें ब्रेन सेल्स की डेथ हो रही है, डैमेज हो रहे हैं ब्रेन सेल्स। और जब ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो उनका रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई के बहुत सी चीज़ों को रिस्पॉन्स नहीं करना शुरू करते। और एक बहुत कॉमन कंप्लेंट जो पेरेंट्स को आजकल सुनना मिल रही है कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल लर्निंग डिसेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो रही है। अब मेरे क्लिनिक में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स आते हैं जी, ये टीचर कहनी थी कि ये कंसंट्रेट नहीं कर रहा, इस पर पहले ठीक था, अब लर्निंग उस तरह पावर नहीं रही, IQ लेवल कम हो रहा है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल हम अपने बच्चों को प्लीज जंक फूड से हेल्दी फूड की तरफ लेके, क्योंकि ये ऐसे नुकसानात हैं, ऐसे हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हैं जिनको हम रिवर्ट नहीं कर सकते। कि हम एक दफा अगर हो गया तो अगर हम समझे कि जी वापस हम उस चीज पे ले आए, तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है आयशा, अब जंक फूड जिस तरह डॉक्टर मिनिश ने कहा नुकसानात ही नुकसानात है, लेकिन एट द एंड न्यूट्रिशन वैल्यू जब तक बच्चों के अंदर नहीं जा रही, उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रही, चाहे वो जंक फूड है या किसी भी तरह की अनहेल्दी डाइट है। जैसे डॉक्टर बिनिश ने कहा कि एम्प्टी कैलोरीज हैं, और जो ब्रेन डैमेज की या जो ब्रेन के सेल्स की डेथ होने का जो मकसद है, मैं उसको टेक्निकली भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ कि वो क्यों। क्योंकि जो ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन इट इज सपोज टू बी मोर एज कम्पेयर टू द अदर ब्रेन पार्ट, ठीक है। अब जब हम जंक फूड खाते हैं तो इट हैज़ बिकॉज इट टेंड्स टू बी मोर कैलोरिक, हाउ, उसमें फैट्स का कॉन्टेंट ज़्यादा होता है क्योंकि प्रोसेस्ड है, और उसमें फैट्स का और जो एडिटिव्स हैं जैसे शुगर हो गई, इनका जाहिर है इस्तेमाल ज़्यादा होगा।
तो उसमें जो वो क्योंकि ये कहा जाता है, रिसर्च सेज के आपका जो ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन है वो कम हो जाता है ज़्यादा चीनी, ज़्यादा मिठास वाली और इस तरह की चीज़ें खाने से, क्योंकि जो हम फूड खा रहे होते हैं उसमें नेचुरली भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स एडेड होते हैं. जैसे हमारे पास फल हैं, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मगर जो इजाफी चीनी है जिसे हम टेबल शुगर या हम आम जुबान में वाइट शुगर बोलते हैं, उसका चूंकि इस्तेमाल बहुत बेदरेग है, बहुत ज़्यादा है. अगर हम रेस्टोरेंट्स में की भी बात करें, अदरवाइज हम घर पे भी कोई चीज़ बनाते हैं ना जो फास्ट को कंसिडर करके कि इट्स अ फास्ट फूड, ठीक है, क्योंकि फास्ट फूड के बाद हमारे पास हेल्दी ऑप्शंस भी हैं जो आई शेयर के बच्चों को अगर हम शुरू से उस तरफ लेकर आएँ. खासतौर पर बच्चों पर एम्फोसिस क्यों है, क्योंकि शुरू से जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं वो स्टार्ट से डेवलप हो रही है, ठीक है. और मेरा भी यही मानना है कि माएँ अगर, एंड यू नो अर्मिला, आई हैव कम अक्रॉस सच मदर्स जो कहती हैं बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, एंड आई गेट अमेज्ड कि बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुनते, मतलब बड़ा कौन है, बच्चे हैं या आप बड़े हैं, यू नो, अगर हम उनके रोने से डर रहे हैं कि वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, वो तो सिर्फ एक आधा, जिस तरह बच्चे को माँ 2 साल की उम्र में दूध छुड़वाती है ना, तो बच्चा तब भी बहुत शोर करता है, रोता है, लेकिन हमें करना है वो चीज. इसी तरह अगर लाइक फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम राइट फ्रॉम द स्टार्ट, इफ वी स्टार्ट डेवलपिंग द यू नो राइट ईटिंग हैबिट्स एंड उनके पैटर्न्स, फूड चॉइसेस, अगर हम स्टार्ट से उनको अच्छा करते हैं तो यकीनन चीनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कम हो सकता है. और फास्ट फूड की तरफ जो ट्रेंड है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम लोगों ने बच्चों को आदि किया हुआ होता है मीठे का. बिल्कुल. रोया तो चॉकलेट दे दी, कोई मसला किया, कोई बात नहीं मानी, स्वीट दे दी, कैंडीज दे दी, यू नो, पैकेट्स के पैकेट सामने रखे हुए. तो इसमें यकीनन बहुत ज्यादा काउंसलिंग की भी जरूरत होती है, ब्रेन काउंसलिंग. जाहिर है ब्रेन हमारा जिस तरफ हम लगाएंगे, नॉट लाइक यू नो एट वंस, ऑल एट वंस नहीं होता, बट इट टेक्स सम टाइम एंड इट गोज विद द फ्लो. बिल्कुल. तो उस चीज को वो करने के लिए जाहिर है टेम्पर ऑफ करना चीजों को इतना आसान नहीं होता. जैसे हम किसी को स्मोकिंग क्विट कराते हैं तो उसको कहते हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली. इसी तरह अगर हम बच्चों को शुरू से इस तरफ लेकर चलें तो आई डोंट थिंक सो कि दे वोंट उस तरफ वो नहीं आएंगे. ठीक है. हेल्दी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, आई सजेस्ट एंड आई शेयर माओं के साथ कि अब जिस तरह कमर्शियल्स का, एज डॉक्टर बीनिश सेड, कि कमर्शियल्स का इसमें यकीनन बहुत अहम किरदार है. उस तरह से कि बच्चे, क्योंकि हम टीवी पे और कुछ नहीं मिलता तो टीवी और वीडियो गेम्स पे तो लगाते ही लगाते हैं, जब हम खुद बिजी होते हैं या हमें लगता है कि बच्चों को इस तरह. तो हेल्दी ऑप्शंस क्या है आप सजेस्ट करेंगे? अच्छा, हेल्दी ऑप्शंस हमारे पास ये हो सकती हैं, जैसे बच्चे को हम ये कप केक्स और इस तरह की चीजें देने, आप दें, जरूर दें, लाइक डोंट, आई डोंट से कि आप उनको ओमिट करें, बट हल्का सब्जी का इस्तेमाल हम उनको सैंडविचेस को जरा थोड़ा अपीलिंग बना के उसमें चीज डाल के, पनीर डाल के, एंड यू नो बटर डाल के, और उसको थोड़ा सा रेड बीन्स का इस्तेमाल, क्योंकि बच्चों को, मुझे नहीं लगता कि कोई एक बच्चा भी होगा जो कहेगा नहीं मुझे लाल लोबिया खाना, आदत नहीं बनाई ना. तो अगर हम खाएंगे, हम खुद भी इस चीज की तरफ नहीं होते इतने ज्यादा फलों की तरफ, सब्जियों की तरफ. तो अब ये बहुत ज्यादा ट्रेंड आया है कि सैलड्स लोग ऑफिस में भी लेके जा रहे हैं, एंड यू नो फल लिटरली काट के और वो साबित खाए, रॉ फॉर्म में खाए जा रहे हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, जो जूसेस हैं, जिस तरह अब हमारा बहुत अच्छा मौसम था माल्टा ऑरेंज का, तो ऑरेंज इज रिच सिट्रस फ्रूट है, एंड देन इट्स रिच इन विटामिन सी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी. सो बच्चों को आप लाइक शेक्स एंड जूसेस की सूरत में, जैसे ऑरेंज जूस है उसको हम दे सकते हैं, सुबह के वक्त दे सकते हैं, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करा सकते हैं. और अगर हम जूसेस और यू नो अगर हाइड्रेटेड रखेंगे, क्योंकि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड कीप योर चिल्ड्रन हाइड्रेटेड. ठीक, हो गया. आयशा सवाल से मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे. डॉक्टर बीनिश, आपकी जानिब आऊंगी. जंक फूड अभी हमने बताया कि ऑब्वियसली नुकसानदेह है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? ओबेसिटी छोटे बच्चों में बहुत सारी देखी जा रही है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या जंक फूड और ये लाइफस्टाइल की वजह से? बिल्कुल, यू आर राइट. जंक फूड इज अ मेजर पार्ट इन दीज डिजीजेस. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो मेन वही चीज जो हम ब्रेन डिप्रेशन, अच्छा इम्पोर्टेंट चीज़ ये ब्रेन डेथ के अलावा या ब्रेन डैमेज के अलावा इसमें बहुत से मेंटल डिसऑर्डर्स भी देखे गए हैं जंक फूड की वजह से, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंट्रम्स बच्चे बहुत दिखाते हैं. अच्छा, पेरेंट्स को हम सब कंप्लेन ये जरूर कर रहे होते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा टेंट्रम दिखा रहा है, बहुत अग्रेसिव हो रहा है, बहुत ये हो रहा है. पता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इस चीज़ का है, जंक फूड का. हमें नहीं समझ आ रही होती कि ये क्यों इस तरह बिहेवियर शो कर रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि जब जंक फूड एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने साइड इफ़ेक्ट्स लाना शुरू कर देती है. इसके अलावा जैसे आप कह रही हो ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है,
अब छोटे छोटे बच्चे इतना वेट गेन हुआ होता है, दे आर नॉट हेल्दी, और पेरेंट्स को लग रहा होता है ये हमारा बच्चा हेल्दी है. राइट, अगर कोई बच्चा प्रॉपर वेट वाला होता है ना अकॉर्डिंग टू एज, तो उन्हें लग रहा होता है ये वीक है, मेरी उसका नंद का बेटा या मेरी भाभी का बेटा तो बहुत मोटा है, हेल्दी है. That is मोटा, obesity, not healthy, ठीक है. और obesity और healthy होने में बहुत फर्क है. इसके अलावा पता है ये जब फिर आपका वेट गेन बच्चे को होता है, डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. पहले तो हम कभी कभार सुनते थे कि जी बच्चे को जी शुगर है, अब आप देखो हर दूसरे तीसरे बच्चे को डायबिटीज है. तो ये जंक फूड इज द मेन रीजन के जिससे हम नहीं फोकस कर रहे. इसके अलावा ब्लड प्रेशर इसलिए रेज हो रहा है कि जब आप जंक फूड ज्यादा खाओगे आपका फैट लेवल इंक्रीज हो रहा है, और वो भी बैड फैट, नॉट गुड फैट. फैट भी गुड और बैड होता है ना, हेल्दी फूड में गुड फैट होता है, इसमें बैड फूड, बैड फैट. जो बैड फैट इंक्रीज कर रहा है कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर रहा है. कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है. ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पहले अडल्ट एज में जाके होते थे कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या फैट ज्यादा ले रहे हैं. इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़, किडनी डिसऑर्डर्स बहुत हो रहे हैं. जब आप बच्चे में फैट लेवल ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, सॉल्ट इनटेक ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये सारी एडिड चीज़ें होती हैं जंक फूड में. सॉल्ट इनटेक से आपका बॉडी वाटर रिटेन करना शुरू कर देती है, तो बच्चों में बहुत से किडनी प्रॉब्लम्स दिखे गए हैं, किडनीज फंक्शन करना छोड़ देते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट के जो बार बार एम्फेसिस हम देते हैं बच्चों में कि प्लीज़ जंक फूड इसलिए लेना ज़रूरी नहीं है कि एक तो जैसे आप बता रही थी कि जंक फूड के बच्चे यूज्ड टू हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली यूज्ड टू हो जाते हैं. तो अगर शुरू से आपको पता होगा ना आपके बच्चे को कि जंक फूड माँ बाप ने डेली डेली कह देने पर नहीं ले देनी, या जब कहा एक टाइम है मंथ में आप अगर वन या टू टाइम्स रखते हो तो वो यूज्ड टू होते हैं. अच्छा डॉक्टर, मेरी सॉरी आपको इंटरेक्ट, प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है. वो ही खाना अगर आप बच्चे को घर पे दे रहे हैं ना तो वो नहीं खाएगा, अगर आप उसको बाहर जब तक नहीं लेके जाएंगे. देखो ये फिर हमने खुद से करना है ना. एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बच्चे को भी अपने साथ इन्वॉल्व करें कुकिंग में. आप जब ग्रोसरी करने जा रहे हो ना, आप अपने बच्चे को भी कहो ग्रोसरी करें. ग्रोसरी में उसको, अब आपको पता होगा कि हेल्दी चीज क्या, अगर आपने उसको बताया हुआ ना तो उसको खुद कहें कि ढूंढ के लाओ बेटे जो आपने खानी है वो हेल्दी चीज लेके आओ. जब वो अपनी शॉपिंग खुद करेगा, आके अपनी फ्रिज में अपनी चीजें खुद रख रहा है ना, तो उसको पता है कि नेक्स्ट मील मेरा क्या है. ये नहीं कि उसके अंदर से आ रहा है कि मेरे पास कुछ प्लान नहीं है मील का तो मैं बाहर जाऊं. ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर है. और दूसरी चीज कि जब आप कुकिंग कर रहे होते हो ना, आप उसको आपकी बात की उसको हम अट्रैक्टिव थोड़ा सा कर देना, तो बच्चे उस चीज से अट्रैक्टिव होते हैं. और पता है वही बात है, जो अगर आपको प्रेजेंटेशन पे चीज अच्छी लग रही है, वो अगर उसका टेस्ट नहीं भी है तो वो आपको अट्रैक्ट कर गई ना चीज, तो दैट इज गुड फॉर यू. बात ये है. और तीसरी चीज हमें एक हेल्दी एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है ना. अगर हम खुद, मैं अगर बर्गर खा रही हूँ और मैं अपने बच्चे को कहूँ रोटी खाए भाई या आप राइस खाओ, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो अगर हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है तो बच्चे वही चीज देख रहे होते हैं. बच्चे तो माँ बाप को या इवन जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं कॉपी कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. आपको नहीं फील हो रहा था उस टाइम आपको देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वही स्टेप रिपीट कर रहे होते हैं. तो इसलिए इम्पोर्टेंट चीज के खुद को हमें ठीक करना है. और जब अपने डाइनिंग टेबल पे जब आदत नहीं रही ना हम लोगों को इकट्ठे बैठ के खाना खाने की, ये बच्चों की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब आप बैठ रहे हो ना एक टेबल पे, तो बच्चे को आप साथ अपनी चेयर पे बिठा रहे हो, जो फूड आप खा रहे हो उसकी प्लेट में डालो. एक दिन नहीं खाएगा, दो दिन नहीं खाएगा, वेस्ट कर रहा है ना. लोग इस चीज से भी बड़ा डरते हैं, यार फूड वेस्ट कर रहा है, ये खाता नहीं है. यकीन करें एक हफ्ता लगता है इस चीज को. एक हफ्ते बाद वही बच्चा वहां बैठ के वही चीज खा रहा होता है जो आप खा रहे हो. बिल्कुल, बिल्कुल. ये आप उसकी एक ट्रेनिंग कर रहे हो, उसका पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है. और आपने देखा है कि आजकल पेरेंट्स कंप्लेन क्या कर रहे हैं कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, वेट तो है लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही. दिस इज द पार्ट कि जंक फूड एक ग्रोथ रिटार्डेशन करा रहा है. बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, एम्प्टी कैलोरीज ले रहा है. कैलोरीज बहुत ज्यादा है जंक फूड में. हाँ, ग्रोथ स्टंट हो रही है. वो कैलोरीज नहीं जो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या हमें फैट्स में से मिलनी है. वो कहाँ से मिलनी है? वो घर की रोटी, चावल, घर की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आप डाइट की बात कर रही थी ना, मैं दो तीन चीजें उसमें ऐड करूंगी. बच्चों के लिए स्नैक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डेट. खजूर एक छोटी सी चीज है. आप खजूर घर में रखें, मीठी भी है ना, बच्चों को लग रहा होता है इंपॉर्टेंट है. वो आपको पूरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है. इसके अलावा तो छोटी सी चीज बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज है. और दूसरी बात ये कि आप आजकल विंटर सीजन थोड़ा सा हमारा है, नट्स अवेलेबल है. एग्जैक्टली, नट्स की आदत डालें. सबसे इम्पोर्टेंट जो फैट्स ऑन, हाँ, वॉलनट जो हम एक अखरोट एक अगर लेते हैं तो उसमें वो ओमेगा 3 इतना ज्यादा होता है कि वो ब्रेन ग्रोथ आपकी इतनी क्विक कराता है. बच्चे की मेमोरी, बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज, कंसेंट्रेशन,
जो हम आजकल कहते हैं ना कि बच्चा नहीं बच्चा करता, वो सिर्फ हाँ। एक वो खरोट आप देने से वो चीज़ और ये स्नैक्स भी हो जाते हैं एक तरह से, बच्चा खा भी लेता है और उसमें को मेरे ख्याल से कोई बच्चा अवॉइड भी नहीं करता कि मैंने ये नहीं खाया। अच्छा आयशा, अभी आप बता रही थी कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स इस तरह की चीजें बच्चों के लिए कह लें ना डाइट प्लान सा क्या होना चाहिए कि जो नॉर्मल रूटीन में पेरेंट्स के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए कि दिन में नाश्ते में इनको ये दिया जाए, दोपहर में दिया जाए, स्नैक टाइम में ये दिया जाए। दिन में 2 से 3 बार फ्रूट आप बच्चों को जरूर दें। अब वो आप उसकी डिविजन कर सकते हैं, आपने मॉर्निंग में देना, जैसे मैं भी जूस का ग्लास बता रही थी, वो आप सुबह देंगे एक्सचेंज पूरी हो जाएगी फ्रूट की, ठीक है। देन हम दूध एक जरूर ग्लास दें सुबह में, अगर जूस नहीं दे रहे तो दूध दें, दूध नहीं दे रहे क्योंकि ऑप्शन होनी चाहिए ताकि बच्चे के लिए भी अगर वेरिएशन रहेगी बच्चा उकताएगा नहीं, तंग नहीं आएगा। देन ब्रेड दे सकते हैं हम, हमें ये व्हाइट ब्रेड और फलाना ब्रेड और फलाना ब्रेड हमें, हम अपने लिए वो करते हैं। बच्चा किसी भी तरह की ब्रेड खा सकता है, खा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप उसको शुरू से होल पे होल ग्रेन्स पे डालेंगे तो देट वुड बी बेटर। अच्छा अब अगर अंडे की बात करें, अंडा इज अ कंप्लीट डाइट, इट इज कंसिडर्ड, सुना होगा अक्सर मैगजीन्स में लिखा हुआ होता है इट्स अ कंप्लीट न्यूट्रिशन, इट्स अ कंप्लीट डाइट, तो अंडा बहुत अच्छी चीज है, प्रोटीन पैक्ड है, फिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डिविजन, मेक वेरिएशंस योरसेल्फ, क्या चीज आपके लिए कन्वीनियंट है, बिकॉज वर्किंग मदर्स के लिए अक्सर ऑब्वियसली बनाना खुद करना, जिन्होंने खुद करना और जो कॉन्शियस भी हैं कि हम खुद करें उनके लिए वेरिएशंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मेक वेरिएशंस योरसेल्फ, बट एक दो चीजों को कंसिडर करें कि खाने से रात जब सोने का वक्त होता है तो खाना कम अज कम 1 से 1.5 घंटा पहले दें, ये नहीं कि जी बच्चे को खिलाया और सुलाने भेज दिया, यू नो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि उसमें डाइजेशन का भी जो कि प्रोसेस है तो डाइजेशन रिक्वायर्स सम टाइम एंड ऑब्वियसली सिटिंग पोजिशन में और होता है क्योंकि हमारी न्यूट्रिशन में डाइटेटिक्स में कुछ कैलकुलेशंस होती हैं विच वी मेक इवन वेन वी मेक डाइट प्लान्स, उसमें एक्टिविटी फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, ठीक है, एंड एक्टिविटी फैक्टर हम लगाते हैं तो उसमें जाहिर है एक एक्टिविटी फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है कि जब आप बैठे हुए कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बाद फिर चलते फिरते हैं, जाहिर है उसको उस तरह से वो डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब भी उस तरह से हो रहा है। अच्छा बच्चे का भी यही है कि बच्चे की जो टाइमिंग्स हैं दैट इज कम अज कम 6 मील्स, 3 मेन मील्स एंड जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि स्मॉल frequent portions, frequent meals हमने उनको जरूर देने and that too after an equal interval of gap, like अगर हम सुबह का नाश्ता अगर 8 बजे करा रहे हैं तो 10 से 11 बजे जरूर उनको मिड मॉर्निंग में कुछ ना कुछ दिया जाए, इट कुड बी फ्रूट, इट कुड बी अ जूस, इट कुड बी एनी थिंग, इट कुड बी इवन एक ग्लास दूध का भी, क्योंकि दूध के 3 ग्लास बच्चे के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसकी बोन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जैसे एजेस आपने सुना होगा कि सुनी होगी कि एक सर्टन एज होती है to build your bones and that's okay. right exactly. मतलब ऐसा नहीं होता कि throughout your life आपकी bones बढ़ती रहें, bone develop होती, ठीक होगा, ठीक है। आयशा और डॉक्टर बिनेश, हम आप दोनों से एक एक मैसेज लेंगे आज के टॉपिक के हवाले से। डॉक्टर बिनेश क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से पेरेंट्स को? इम्पॉर्टेंट चीज ये कि हमने ही बच्चों को ठीक करना है, हमने ही बच्चों को जंक फूड से अवॉइड कराना है, क्योंकि माँ बाप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों की लाइफ में। बच्चों को नहीं पता जंक फूड क्या है, हेल्दी फूड क्या है, सबसे पहले तो रियलाइज कराना बहुत जरूरी होता है। ट्रस्ट मी, अगर हम रियलाइज करा देंगे ना कि बेटे दिस इज हेल्दी फूड, दिस इज नॉट हेल्दी फूड, तो उसके माइंड में बच्चे के, बच्चे भी आजकल के बच्चे नहीं है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, तो उनको भी रियलाइज हो जाता है कि अगर हमने एक टाइम ये खा लिए जंक फूड ना, तो अब हम हेल्दी फूड से हट गए हैं, ठीक है। और ये सिर्फ उनके माइंड में आपको अवेयरनेस करानी है, क्योंकि जंक फूड में कोई फायदा नहीं है। आई नो बच्चे मना नहीं होते, रिस्ट्रिक्ट नहीं होते उस तरह, लेकिन कम से कम हम उनको इस तरह ला सकते हैं कि मंथ में 1 या 2 दफा बाहर आउटिंग करा दी जंक फूड की, लेकिन उसके अलावा कंपनसेट कर दिया वो घर की हेल्दी फूड से, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली है बच्चे को, जिस तरह हम मोल्ड करेंगे उसी तरह, और हमने खुद रोल मॉडल बनना है बच्चों। लवली डॉक्टर आयशा आप क्या कहेंगे? एज डॉक्टर बीनेश सेड के शुरू से राइट ईटिंग हैबिट्स एंड डाइट्री हैबिट्स के अलावा भी जो आपका लाइफ स्टाइल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपका खाने के बगैर वी आर नथिंग, आई बिलीव खाने के लिए ही वी आर डूइंग एवरीथिंग, हम अगर नौकरी करते हैं, हम कोई भी एफर्ट करते हैं, वी डू एवरीथिंग फॉर यू नो खाने के लिए, तो खाना प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल शुरू से अच्छी ईटिंग हैबिट्स। एज आई सेड ऑब्वियसली टाइम इतना नहीं होता कि मैं बहुत डिटेल में बता सकूं, बट ये जस्ट कुछ मेजर्स हैं विच वी कैन टेक, और अगर प्रेफर करें कि आप घर पे कुकिंग करें, आप अगर फास्ट भी दे रहे हैं, बिकॉज हम जंक को अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं, हम फास्ट और फ्री फूड को अवॉइड करने के लिए नहीं कह रहे, स्नैकिंग की सूरत में हम सैंडविचेस दे सकते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर कंसिडर करें, और जो नगेट्स हम बाहर से
वो घर में बना के दें, घर पे बना के दें, हम क्रॉकेट्स हैं कबाब की अदर फॉर्म यू नो, तो इस तरह की चीजें अगर घर पे हम दें और बाहर की चीजों को अवॉइड करें, और अगर बाहर से भी कुछ लेके दे रहे हैं तो प्रेफर buying something healthy instead of unhealthy. Thank you very much, Aisha. बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीनिश, आपका भी. जनाब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मजीद भी बच्चों की काउंसलिंग के हवाले से हम बात करेंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.